सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं ग्री ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज से हम अलजेब्रा भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इसके क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। और एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सॉल्व करके बहुत सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे से बताते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने सपोर्ट दिखाया तो भाई पूरा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, लैंग्वेज सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस सब कुछ चीजें आपके सपोर्ट पे, जितना शेयर करो। आप सभी को बताएं कि इस साल और पिछले साल, मतलब इस साल और इसके पिछले साल सबसे ज्यादा, इस साल तो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, 8,100 स्टूडेंट, मतलब सबसे ज्यादा लोगों के सब्सक्राइबर इतने ज्यादा थे, पर हमें देखने वाले बच्चे सबसे ज्यादा थे, ये हमने रिकॉर्ड बनाया 8,100। तो अगर आप चाहते हो कि इस साल हम कंटिन्यू स्टार्टिंग से आपके साथ रहे, तो भाई सपोर्ट दिखाओ चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो। और मेरा नाम है, नाम क्या बताऊं यार, काम देखो, नाम तो आप अपने आप जान जाओगे। चलो नाम भी मेरा कॉमेंट कर दो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो प्रैक्टिस सेट 1.1, मैं क्वेश्चन लिख लिख के आपको सॉल्व करवाते जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपके बुक में पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड दिया हुआ है, बट मैं सबसे पहले अगर आपको सॉल्व करने आने लगा ना, तो बॉक्सेस बनाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। वो तो जब मैं एंडिंग पे भी या मिडल में भी आपको एक्टिविटी बेस्ड बता दूंगा कैसे करते हैं, वो एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने ऑफलाइन बैच में भी और ऑनलाइन पिछले साल के बच्चों को भी मैंने पहले बोला था, पहले सीखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई वो बॉक्सेस बनाना तो आपको भी आ जाएगा, उसी को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है, जो सबसे सिंपल है। इसलिए पहले सभी को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन, 5x जो आपका एक्टिविटी बेस्ड दिया है, बट हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, +3y = 9। एंड जो सेकेंड इक्वेशन इसके अंदर दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 2x - 3y = 12। सो गाइस, इसको ले लो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, और इसको ले लो आप सेकेंड इक्वेशन। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, जो सेम वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को देखना है। ये सेम है? नहीं, सेम नहीं है। ये वेरिएबल देखो, ये सेम है, इसका जो नंबर है, इसका जो कोएफिशिएंट है, ये सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। तो जिसका कोएफिशिएंट, जिसके नंबर सेम है, उसके साइन को देखो। तो इसका देखो, एक का प्लस है, एक का क्या, माइनस। जब भी अपोजिट साइन होते हैं, जब भी क्या होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं, तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये दिमाग में फिट कर लो, जब भी अपोजिट साइन होंगे सेम वेरिएबल का, सेम कोएफिशिएंट, देन उसका साइन चेक करो। अगर उसका साइन अपोजिट है तो दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो हम यहाँ इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलो दोस्तों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ कलर चेंज करके हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे, तो 5x + 3y = 9 +2x - 3y = 12। अब दोनों को ऐड करना है। देखो 5x + 2x कितना होगा, 7x, +3y - 3y गेट कैंसल्ड, एंड 12 + 9 ये हो गया हमारा, 12 + 9 तो हमारा हो गया ये 21, 21 हो गया। अब गाइस इसको ही हम एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, 7x = 21। अब गाइस क्या करेंगे, दोनों के मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और x = क्या आ गया, ये हमारा 3। तो भाई ये x की वैल्यू हमें मिल गई। देन इसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस x को या तो फर्स्ट या तो सेकंड, जिसमें पुट करना है उसको में पुट करो, आपका इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं, पुट x = 3 इन इक्वेशन, जिसमें भी आपको पुट करना है, प्लस वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्लस वाले में कर दो, पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे लिए, y x + 3y = 9। तो 5x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 + 3y = 9। तो 5 3 = 15, 3y = 9। अब हम क्या करेंगे, देखो +15 = किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +15 = किस साइड आएगा तो -15 हो जाएगा। तो हम यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो, तो 3y 9
प्लस 15, ये प्लस बिटवीन इक्वल के साथ गया तो माइनस 15 हो गया, और ये आंसर आ गया प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 9 हो गया ये हमारा 6, एंड बिगर नंबर का साइन माइनस का है, देखो प्लस माइनस माइनस एंड बिगर नंबर का साइन माइनस है। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इक्वल के दूसरे साइड होता है तो डिवाइड हो जाता है, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो y इक्वल टू ये हो गया हमारा -2, तो y मिल गया। अब फाइनल स्टेटमेंट आप अच्छे से लिख सकते हो, सबसे पहले x की वैल्यू लिखो 3 एंड -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्लियर, और इसको अच्छा सा एक बॉक्स बना दो। ओके सो गाइस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप जाके देखोगे तो बॉक्सेस के अंदर सभी यही चीजें दी हुई है जिससे आप आराम से क्या कर सकते हो, एक एक चीजें अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, बट सबसे पहले अगर आपको सॉल्व करने आने लगा तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है ये, मतलब सेकंड सेकंड का ये क्या, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का आई थिंक सेकंड का फर्स्ट है, अच्छा सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, 3a प्लस 5b इक्वल 26, और इसके अंदर सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस yb इक्वल हमारा 22। सो भाई इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं तीन पार्ट में पहले से डिवाइड कर लेता हूं, एक एंड दो तीन, सो भाई अब ध्यान से देखो, मैंने बोला जिसका सेम वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट, अगर ऐसा इक्वेशन में सेम है तो उसका साइन देखो, तो ये दोनों सेम वेरिएबल है और उसका कोएफिशिएंट भी सेम है, इसका साइन देखो, अगर 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 याद रखो, अगर दो सेम साइन है, अगर दो सेम साइन है या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों इक्वेशन को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब माइनस किया जाता है, अगर दो सेम साइन है दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो इक्वेशंस को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये दिमाग में फिट करके रख लो, अच्छे से दिमाग एकदम फिट हो जाना चाहिए, अगर दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है, दोनों सेम प्लस है या दोनों माइनस है तो हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो चलो तो हम दोनों को ऐड कर, मतलब क्या करेंगे, देखो सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, बस साइन क्या है अपोजिट्स, मतलब सेम साइन, और जब भी साइन सेम होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो चलो हम लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ओके ये दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, बिगर वाला, ये 26, तो हम उसको ऊपर ही लिखेंगे, 3a प्लस 5b इक्वल 26 माइनस, एंड इसके नीचे a प्लस 5b इक्वल 22, जब भी माइनस करो तो आपके बुक में एक लाइन का गैप कर दो, और एक लाइन गैप करके ऐसा लिखो, जब भी साइन हम माइनस करते तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3a में से 1 ए गया तो ये कितना बचेगा, 2a प्लस 5b माइनस 5b कैंसल इक्वल, प्लस माइनस माइनस 26 में से 22 माइनस हुआ तो हमारा आंसर आएगा 4, कितना आ गया 4। अब गाइस यहां 2a इक्वल टू 4, अब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो ये हो गया हमारा a इक्वल टू 2, a मिल गया। अब गाइस हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है b, तो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करना है, जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट में करो सेकंड में करो जो अच्छा लगे, सेकंड मुझे छोटा लग रहा है तो सेकंड में कर देते हैं, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो a प्लस 5b
इक्वल 22। ओके अब ए के जगह पे 2 आ गया। अरे यार कलर मैंने ये ले लिया, चलो कोई नहीं। तो 2 इक्वल के उसर गया तो क्या हो जाएगा हमारा -2, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया 20। अब दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 20 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ओके सो हमारा आंसर आ गया 2 और 4, हमारा आंसर आ गया 2 और 4। और फाइनली हमें फाइनल स्टेटमेंट हमें लिखना है 2 और 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या बोलते, हो गया, चले आगे, एकदम सिंपल तरीके से कर दिया हमने। अब चले आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड। हाँ ये आपको करवाना है मुझे, सेकंड एक्स प्लस 7y इक्वल 10, देन इसके बाद गाइस 3x माइनस 2y इक्वल 7। ये दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां मैं 3 बॉक्स में इसको डिवाइड कर लूं, 1 और 2 हो गया। अब फिर से वो चीजें देखो, ध्यान से देखो, सेम वेरिएबल बट इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है, 3 है 1 है तो ये भी नहीं। अरे भाई ये देखो, सेम वेरिएबल पर इसका भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन, दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं, इसका भी सेम नहीं है और इसका भी सेम नहीं है, तो हमें किसी एक वेरिएबल का, या तो एक्स का या तो वाई का, किसी एक वेरिएबल का खुद से सेम करना पड़ेगा। जब तक वो सेम नहीं होगा तब तक हम आगे अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो यहां ध्यान दो, देखो अगर मैं यहां पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 3 हो जाएगा, यहां 3 हो गया तो यहां भी 3 है, तो दोनों सेम हो गया, तो मैं एक्स का भी कर सकता हूं। बट अगर मेरे मन में आया कि नहीं सर मैं वाई का ही करूंगा, सर मैं मानूंगा ही नहीं आपके बात, मैं वाई का ही करूंगा, तो ठीक है वाई का भी कर सकते हो। तो इस पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहां 7 × 2 = 14 हो जाएगा, और ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 7 × 2 = क्या हो जाएगा, यहां भी 14 हो जाएगा, और दोनों जगह 14 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह 14 हो गया तो ये एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो आपके ऊपर है, आप एक्स को भी सेम कर सकते हो वाई को, पर वाई को सेम करने के लिए हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार 2 को 2 से इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को इक्वेशन 7 से, क्योंकि तभी जाके यहां दोनों 14 होगा। पर पूरे से मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्यों 2 बार मल्टीप्लाई करो जब आपका काम एक बार मल्टीप्लाई करने से हो रहा है, डायरेक्ट यहां 1 है, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो गया। किसी एक वेरिएबल पे, किसी एक जगह पे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट सेम चाहिए, तो हम कर देते हैं। ओके किसका मैसेज आ रहा है इतना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट को किससे, क्योंकि यहां 3 चाहिए तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 3x 21y एंड 10 × 3 = 30, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाला इक्वेशन फिर से मैं लिख देता हूं, 3x माइनस 2y इक्वल टू, नहीं इसको फिर से नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी लिखा है। अब देखो गाइस ध्यान दो अच्छे से, ये इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई कर दिया तो मुझे अभी इससे मतलब नहीं रखना, अभी मतलब किससे, सेकंड और थर्ड से, तो इसको भूल जाओ, जिससे अपना काम हो गया उसको भूल जाओ। ओके जिससे हमारा काम हो गया उसको भूल जाओ, क्योंकि हमारा काम हो चुका है ना, सेकंड और थर्ड। अब इस पे फोकस करो, देखो ये भी सेम वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो अब दोनों का साइन चेक करो, सेम साइन, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, जब दोनों जगह सेम साइन होता है, सेम साइन होता है, तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ओके बट सॉल्व करते टाइम याद रखो, जो बड़ा वाला नंबर है दोनों में से ये 30 है ये 7 है, तो बड़े वाले इक्वेशन के नंबर को ऊपर लिखो,
जिससे आपका इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, याद रखो। तो मैंने इसको ऊपर लिखा, और माइनस के टाइम जनरली ऐसा करो कि जो बड़ा वाला नंबर है उसके इक्वेशन को ऊपर लिखो और छोटे वाले को नीचे लिखो, जिससे आपका इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसको हम नीचे लिखते हैं, 3x-2y=7। और इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं हम, माइनस, और जैसे ही माइनस किया तो अंदर के सभी साइन क्या हो गया, चेंज। यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। 3x+3x-3x कैंसिल हो गया। देन 21+2 कितना हो गया, 23y। प्लस माइनस 30-7 कितना हो गया, 23। और हमारा जो फाइनल आंसर हो क्या आ जाएगा, 23y=23। मीन्स ये दोनों इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन, इक्वल की साइड है तो डिवाइड, 23 / 23, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो y की वैल्यू मिल गई। अब जो y की वैल्यू मिल गई तो भाई सेम टू सेम हमें क्या करना है, पुट y=1 इन इक्वेशन, किसमें करना, फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो, बट सबसे सिंपल होगा फर्स्ट में। पर फर्स्ट को तो आप भूल गए थे ना, याद रखो यार, लाइफ में कभी किसी को भूला मत करो, कि कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो भाई आप बोले थे फर्स्ट को भूल गए थे, नहीं फर्स्ट, अब देखो सबसे सिंपल हमें यही दिख रहा है, तो इस इक्वेशन को हम इसमें पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुट y=1 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो मैथ भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, तो x+7y=10, तो एक्स के जगह पे वाई के जगह पे क्या आ गया, 1। तो हमारा क्या आ गया, 7 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3। और फिर फाइनल स्टेटमेंट वही लिख देना है, एक्स को पहले लिखना है, 3 and 1। 3 and 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये पूरी तरह से एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और आपके दिमाग में पूरी तरह से क्या हो जाए, बैठ जाए। अब भाई करेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन, जो क्या है, 2x-3y=9। देन इसके बाद 2x+y=13। ध्यान से देखो इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये और इसके आगे वाले इक्वेशन दो आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ये सब सेम जैसा ही है, तो आपको मैंने बता दिया। और वैसे अगर आपको डिटेल में देखना तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो, आपको अगर इसको सॉल्व करना है अलजेब्रा का है। बट देखो इसको समझ लो, आपको इसको सॉल्व करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में डालना है, मैं ये चीजें बता देता हूँ। देखो सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट है, इसका साइन क्या, इसका भी प्लस है, इसका प्लस है, मतलब दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये सब्ट्रैक्ट करके मुझे फाइनल जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि थर्ड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर क्या है, फटाफट फटाफट मुझे इसको कमेंट करके मुझे बताना। अब गाइस चलो फोर्थ क्वेश्चन एक ऐसा करते हैं, 5m-3n=19 एंड m-6n=-7। ओके सो गाइस ध्यान से, पहले हम इसको बॉक्सेस क्रिएट कर लें। सो गाइस फोकस करना है यहां हमें, ध्यान से देखो, ये भी m है ये भी है, यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है, तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ देखो ये भी m है, ये भी m यहाँ दिखाई दे रहा है ना, बट यहाँ कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, 3 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये पूरे, अगर मुझे n को सेम करना है, दोनों को n को सेम करना है, n के कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 × 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 हो जाएगा। ऐसे भी एक n को सेम कर सकता हूं, या तो अगर मुझे यहाँ 5 है यहाँ भी 5 लाना है, तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मेरा यहाँ 5 हो जाएगा, और मेरा एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि पहले से कोई वेरिएबल सेम तो दिया नहीं है। तो मैं पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ 5 हो जाएगा,
या तो एन को सेम करना है तो पूरे इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ थ्री टू जा क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, आप किसी को भी सेम कर सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो मैं एम वालों को सेम करता हूं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय फाइव, क्योंकि मैं एम को सेम कर रहा हूं। तो चलो फाइव एम 30m एंड ये हमारा 35। ओके, इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड। ओके, अब ध्यान दो। अब माय भाई देखो, हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया, इसको हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। तो इस पे ध्यान नहीं देना, हमारा इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री पे फोकस करना है। तो इक्वेशन वन एंड थ्री में ये m और इसका कोएफिशिएंट क्या सेम है, और इसका साइन क्या, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब दोनों सेम साइन होते हैं तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें हम लिखेंगे यहां सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस है ना इधर थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। अब मैंने आप सभी को बताया कि सॉल्व करने के टाइम हमेशा अगर ऐसा करोगे तो इक्वेशन आपका सिंपल हो जाएगा। जो दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके इक्वेशन को पहला लिखो। तो ये माइनस 35 है, ये 19 है। याद रखो, बहुत लोग 35 देख के पहले लिख देते हैं, नहीं ये माइनस 35 है। तो माइनस 35 19, तो ये इक्वेशन को हम ऊपर लिखेंगे 5m माइनस 3n। ऐसे करोगे तो आपका इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, जो साइन का गड़बड़ होता है ना वो नहीं होगा। माइनस 5m माइनस 30n इक्वल माइनस 35। ओके, अब क्या करेंगे, हमने एक ब्रैकेट करके वो कर दिया। देन इसके बाद गाइस अंदर का साइन चेंज करो, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फाइव एम कैंसल। ओके, 30 में से देखो प्लस माइनस माइनस, 30 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचेगा हमारा 27m। देन इसके बाद गाइस 9 प्लस 5 4 3 1 4 5 54, और यहां प्लस का साइन है, बिगर नंबर का साइन प्लस है, तो यहां मैंने प्लस ही दिया हुआ। देखो प्लस 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 करना है, क्योंकि माइनस कन्वर्ट होके प्लस हो गया है। तो भाई आगे अब ध्यान दो, 27m इक्वल 54। सो गाइस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 27 टू 54 हो जाएगा। एंड देन गाइस पुट n इक्वल टू 2 in equation किस इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड। पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। हाँ, आप देखो इसको भी भूल गए थे ना, तो सबसे जो छोटा इक्वेशन उसी में पुट कर देने का, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। सो m n की जगह पे क्या रख दो, 2 रख दो, और ये हो गया 6 2 12। ओके, देन इसके बाद गाइस माइनस 12 इक्वल के साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस 12 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 12। एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो दोनों आंसर मिल गए हमें, m का कितनी वैल्यू है 5 और n की वैल्यू कितनी है 2 है। तो भाई फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपकी चीजें सब आसान होती जाएगी। ओके, अब गाइस देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3 एंड x प्लस 5y इक्वल 4। ओके, अब ये इक्वेशन सेम टू सेम, मैंने से दो इक्वेशन आपको करवाया, ये आपको सॉल्व करके इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। यहां देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहां देखो सेम वेरिएबल है बट इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहां भी सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट सेम नहीं। अगर इसको सेम करना है तो, अगर मुझे y को सेम करना है तो मुझे 5 को
फाइव से पूरे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो फाइव टू सा टेन होगा, एंड सेकेंड को टू से करना है तो यहाँ टू फाइव सा टेन होगा, तो दोनों जगह टेन हो जाएगा, तो बाद में हम इक्वेशन प्लस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सबसे सिंपल सी बात, ये एक्स को देखो, यहाँ वन है, यहाँ फाइव है, तो मुझे यहाँ भी फाइव चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई करो, आपका फाइव यहाँ भी आ जाएगा। जैसे ये एक सॉल्व किया गया हम लोगों ने, ये कौन सा इक्वेशन, वही बता रहा हूँ नहीं अलग है, सो ये यहाँ भी फाइव आ जाएगा और दोनों जगह ऊपर और नीचे फाइव आ गया, और साइन प्लस 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 का साइन है, तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट इसको करके आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो। अब चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, वन बाय थ्री एक्स, ये देख के स्टूडेंट डर जाते हैं पूरी तरह से, वाई प्लस टेन बाय थ्री। ओके, ये हो गया हमारा, ओके, सो ये हो गया हमारा 10 बाय 3। इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 1 बाय 4y 11 बाय 4। ओके, अब इसके बाद ये है इक्वेशन नंबर वन, ये हमारा इक्वेशन नंबर टू, क्लियर। 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3 इक्वेशन नंबर वन, और दूसरे को इक्वेशन नंबर टू दे दिया। आप आपको दिमाग खराब हो गया होगा देख के, अरे सर ये क्या दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में नंबर दिया है, डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है, हमारा लीनियर इक्वेशन तो हमने ऐसा देखा है, इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं, ax प्लस by उसके नीचे तो कुछ था ही नहीं, ये कैसे आ गया सर, ये बहुत डेंजर लग रहा है। कुछ भी डेंजर नहीं लग रहा है, टेंशन नहीं लेने का। आप एक चीज याद रखो, अगर आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो जो भी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिखाई दे रहा है, अगर वो डिवाइड में है उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो, देखो इक्वेशन आपका नॉर्मल बन जाएगा। तो पहले इक्वेशन में डिवाइड में 3 दिखाई दे रहा है तो उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये 3 हट जाएगा। यहां 4 दिखाई दे रहा है, ये हमें चाहिए ही नहीं, हमें डिनोमिनेटर में 4 चाहिए ही नहीं, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये 4 हट के इक्वेशन नॉर्मल हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो चलो करते हैं, पहले हम यहां स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को, क्योंकि यहां 3 है तो मुझे 3 नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे ये डिवाइड में 3 है तो मुझे मल्टीप्लाई में 3 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, एंड सेकंड को डिवाइड में 4 है तो मुझे मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, सेकंड बाय 4। ओके, देखो अगर आप पूरे को 3 से, अगर 3 से ऐसे करते हो, 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करते हो, ये पूरे इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली यहाँ क्या बचेगा, ओनली एक्स, यहाँ बचेगा ओनली एक्स, और बीच में क्या प्लस, और यहाँ देखो यहाँ तो डिवाइड में है नहीं, इसलिए यहाँ हो जाएगा 3 बाय इक्वल, यहाँ 3 कैंसिल और बचेगा 10, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। अब उसी तरह से गाइस, अगर हम ये वाले को करें, ये पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा 8 हो जाएगा, यहाँ जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 2 सा 8x प्लस, देखो 4 कैंसिल, यहाँ 1y बचा, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन 1y सा वाई होता है, देन यहाँ 4 कैंसिल हो गया, ओनली क्या बचा 11, और इक्वेशन नंबर ये हो गया 4। हो गया क्लियर, एकदम सिंपल सा, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ हार्ड जैसा है ही नहीं। अब देखो नॉर्मल इक्वेशन बन गया, अब नॉर्मल इक्वेशन को उसी तरह से हम करेंगे, ये एक्स है ये भी एक्स है, पर यहाँ दोनों कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ये वाई है ये भी वाई है, पर यहाँ कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो किसी एक कोएफिशिएंट को अपने को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, आपकी मर्जी जिसको चाहिए उसको सेम कर सकते हैं, हम करते हैं सेम इसको, अब यहाँ y है यहाँ 3 चाहिए हमें,
तो हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर्थ बाय पूरे इक्वेशन को, या तो आप इसको कर सकते हो या और सिंपल है, चलो भाई इसको छोटा नंबर बनेगा तो हम इसको कर देते हैं, आप जिसको मर्जी करें उसको कर सकते हो, हम पहले वाले को करते हैं। तो यहां देखो, यहां यहां 8 है, तो हम ये पूरे इक्वेशन को 3 को 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ एक्स पे ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो यहाँ 8 है, तो यहां भी मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो मैं यहां चलो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मैंने पहले ये सोचा, अब ये करके दिखा दो जिससे आपको समझेगा कि हम कोई भी करेंगे अपना आंसर आएगा। यहाँ वाई था, यहां करता तो पूरे इक्वेशन को 3 से करना पड़ता, पर मुझे अब एक्स चाहिए, तो मैंने एक्स यहाँ 8 है तो मुझे यहाँ 8 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 8x जा 8x, 8 3 जा 24 और 8 10 जा 80, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? तो इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, अब इससे हमें लेना देना नहीं है, हमारा मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ से। अब ध्यान दो, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, मतलब कोएफिशिएंट सेम है। तो अब साइन देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जब सेम साइन होता है इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ, और सॉल्व करने के टाइम सबसे पहले ऊपर वाला ये बड़ा 80 बड़ा है तो उसको ऊपर रखेंगे, 80x प्लस 24y इक्वल 80 माइनस माइनस 8x प्लस वाई इक्वल 11। अब क्या करेंगे, जब भी माइनस कर रहे तो अंदर का साइन चेंज, ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, प्लस 8x माइनस 8x कैंसल, प्लस 24 माइनस, प्लस 24 में से 1y निकाल दो, 24y में से 1y निकाल दो, हो जाएगा 23y। ओके, 23y हो जाएगा। देन इसके बाद गाइस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 80 में से अगर हम 11 को माइनस करते, 80 में से 10 माइनस करो 70 हो जाएगा, और 70 में से अगर 1 एक और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 69। ओके, अब गाइस ध्यान दो अच्छे से, अब हम क्या करेंगे, 23y इक्वल टू 69। तो गाइस अब ये देखो 69 डिवाइड बाय 23, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 23 हो जाएगा हमारा y। सो भाई y की वैल्यू मिल गई, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किस इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकंड में, फर्स्ट तो इतना डेंजर है, थर्ड एंड फोर्थ जिसमें आपको पुट करना है, सबसे छोटा थर्ड वाला दिख रहा है, जितने भी इक्वेशंस बने जिस भी इक्वेशन में आपकी मर्जी करे, तो सबसे थर्ड वाला देखो एकदम छोटा दिखाई दे रहा है उसमें पुट करो, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल 10, तो अब देखो x प्लस y की जगह पे क्या है 3 इक्वल 10, तो 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 9, ये देखो y की जगह पे 3 रख दिया, तो 10 प्लस प्लस 9 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9, ये हो जाएगा 10 में से 9 माइनस वो 1। सो ये हो गया हमारा x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, दोनों मिल गया हमें, दोनों की हमारी बल्ले बल्ले हो गई। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन अब लेते हैं हम, सेवंथ क्वेश्चन, और एट क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसको मैं आप लोग को दूंगा करने के लिए, पहले सेवंथ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखो गाइस, 99 एक्स प्लस 101 वाई इक्वल 499, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड देन इसके बाद दूसरा हम देखेंगे, 101x प्लस 99y इक्वल हमारा कितना है 501, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो ओके, क्लियर? अब देखो गाइस ध्यान से, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से, जब भी आप देखोगे यहां, यहां अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्रॉस में चीजें सेम दिखाई दे रही है। ये देखो इसका जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो इसका वाई का कोएफिशिएंट है, जो इसका वाई का कोएफिशिएंट है वो इसका एक्स का कोएफिशिएंट है, मतलब क्रॉस में चीजें सेम है,
और जब भी क्रॉस में चीजें चीजें सेम है, जब भी चीजें क्रॉस में सेम हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। वैसे तरीका एक और है पर मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है, यह सबसे अच्छा तरीका। एक बार इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, एक बार ऐड करो, जब भी क्रॉस वेरिएबल के नंबर सेम दिखाई दे तो हमें क्या करना है, एक बार इक्वेशंस को ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, यही करना है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे एक और है पर ये मेरे को बेटर लगता है, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशंस को ऐड करेंगे, देखो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इक्वल 501। ऐड करेंगे इक्वेशन को, देखो 101 प्लस 99 कितना हो जाएगा 200x हो गया, 101 प्लस 99 ये भी हो जाएगा 200y, देन 499 प्लस 501 ये हो जाएगा हमारा 1000 हो गया। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो गाइस ये पूरे इक्वेशन को हम छोटा बना सकते हैं, इसमें भी 200 है, इसमें भी 200 है, और 200 के टेबल में 1000 भी आ सकता है, तो हम सिंपली कर सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन इक्वेशन थर्ड बाय 200। ये पूरे इक्वेशन को हम 200 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो इक्वेशन को छोटा हो जाएगा, देखो 200 को 200 से डिवाइड हो जाएगा तो यहां बचेगा x, देन ये डिवाइड हो जाएगा तो y बचेगा, और यहां 200 20 आता ना 20 का टेबल, तो 25 तो 200 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो सभी को डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय 200। जैसे इसको डिवाइड करूंगा 200 को 200 से डिवाइड करूंगा तो हमारा क्या बचेगा x, इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा y, और इसको 200 से डिवाइड करूंगा तो हमारा y बचेगा, और इसको डिवाइड करूंगा तो 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो हमने ऐड करके इक्वेशन बना लिया, इसको मैं एक अलग बॉक्स में डाल देता हूं, ये देखो आपको दिखेगा, ये ऐड करके हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम क्लियर, देन गाइस सॉल्व करने के टाइम हमेशा याद रखो जो बिगर नंबर है उसको ऊपर लिखो, स्मॉलर नंबर को नीचे लिखो, इससे आपका सॉल्यूशन बार बार बोल रहा हूं थोड़ा सिंपल हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है, वैसे करोगे तो भी आंसर आएगा, बट ऐसे करने से थोड़ा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। 501 माइनस 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, अंदर सभी साइन को हम चेंज कर देंगे, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, देन 101 माइनस 99 कितना बचेगा, ओके 2x प्लस माइनस माइनस 101 माइनस 99 कितना बचेगा 2y, क्लियर। और यहां हम दे देंगे हमारा माइनस का साइन, क्योंकि बिगर किसका साइन है, माइनस का, बिगर साइन किसका, माइनस का, देन इसके बाद प्लस माइनस माइनस 501 माइनस 499 कितना बचेगा, सेम भाई वही चीज बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चेहरे को, फिफ्थ इक्वेशन दिख रहा है, पूरे फिफ्थ इक्वेशन में सब में 2 है, तो मैं 2 से पूरे को डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा कर सकता हूं, तो लिखेंगे चलो यहां कलर से लिख देता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन देखना पड़ता है ये आवाज आ रहा है कि नहीं, एक बार पूरा रिकॉर्डिंग कर दिया, आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, इतना बुरा लगता है यार, देखो कितना बज रहा है, अभी अगर आपको टाइम दिखाई दे रहा हो 9:10 रात के हो रहे, दिन भर ऑफलाइन बैच लिया, ऑफलाइन बैच के लिए रात को आपके लिए काम कर रहा हूं मैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फिफ्थ बाय 2, ओके, तो जैसे ही डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, यहां बचेगा हमारा क्या बचेगा एक्स, यहां बचेगा वाई, और यहां से 2 से 2 कैंसिल होके हमारा बचेगा 1, तो ये देखो हमारा एक और इक्वेशन मिल गया, और इक्वेशन नंबर इसको 6 ले लो, एक और इक्वेशन हमें मिल गया, दिख रहा है, देखो दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, अब नया इक्वेशन, एक बार ऐड करके एक इक्वेशन मिला, सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन मिला, अगर हम दोनों पे ध्यान देते हैं तो देखो ये और ये एक्स दोनों का कोएफिशिएंट, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसको देखो वाई, इसका भी वाई, दोनों का कोएफिशिएंट 1-1 है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना बहुत बार ऐसा होता है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा, मैं जो चीजें बोल रहा हूं हमेशा याद रखो,
कि हर क्वेश्चन में ऐड करने का जो नंबर स्टार्टिंग नंबर होगा ना उससे सभी से डिवाइड जनरली 95% हो जाता है। तो जनरली सबसे डिवाइड होगा, इक्वेशन छोटा हो जाएगा। सेम दूसरा वाला भी जो भी इक्वेशन मिलेगा स्टार्टिंग में जो नंबर होगा उससे सबसे डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करके 95-97% हमेशा इक्वेशन जो मिलता है एकदम छोटा इक्वेशन मिलता है, और वो इक्वेशन को जनरली बहुत बार हम बस ऐड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो ऐड करके क्यों निकाल सकते हैं, मैं एक्स को नहीं देख रहा हूं, अगर मैं एक्स को देखता तो यहां प्लस है यहां प्लस है तो दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, पर मैं वाई को देखता हूं ना, क्योंकि वाई का यहां भी वन है यहां भी वन है और दोनों का साइन क्या अपोजिट है, और दोनों का साइन जब अपोजिट है इक्वेशन को क्या कर सकता हूं, मैं ऐड कर सकता हूं, और ऐड करने का मजा अपना अलग ही है। तो भाई यहां करते हैं हम ऐड, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो ऐड करते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल फाइव, एक्स माइनस वाई इक्वल वन ऐड करना है। तो वन एक्स टू एक्स, वाई वाई कैंसल, फाइव वन कितना हो गया सिक्स हो गया। So, अब यहां 2x इक्वल टू 6, तो x डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू 2 3 6, x की वैल्यू आ गई। देन अब y की वैल्यू निकालनी, पुट x इक्वल टू 3, सबसे छोटा इक्वेशन यही दोनों है जो अभी हमने नया फाइंड किया, तो इसमें 4 में भी कर सकते हो 6 में भी कर सकते हो या किसी में भी कर सकते हो, तो जो सबसे छोटा इक्वेशन उसी में किया करो, तो मैं फोर्थ में करूंगा, प्लस भी है। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल फाइव, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इक्वल क्यों चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों -3, और वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल गई, एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू हमारा कितना हो गया, y इक्वल टू हमारा हो गया 2। हाँ तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपका आपका पूरी तरह से क्लियर भी हो जाएगा। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब भाई मैं 8 क्वेश्चन सॉल्व आपको करना, बट क्वेश्चन लिख के मैं हमेशा एक्सप्लेन कर देता हूं, तो बता देता हूं। चलो 49x माइनस 57y इक्वल 172, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। देन 57x क्या है माइनस 49y इक्वल 252। देखो भाई ध्यान से देखो, क्रॉस में सेम है, जब भी सेम होता है तो इक्वेशंस को एक बार ऐड करो और एक बार क्या करो, इक्वेशंस को एक बार ऐड करो एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, और इस तरह से करके हमें अब जब करोगे ना तो एक फिर से एक नीचे नंबर मिल जाएगा, उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना, फिर एक छोटा इक्वेशन मिल जाएगा, देन अगेन इक्वेशंस को क्या करना आप सब्ट्रैक्ट करना, फिर एक छोटा सा इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब एक नंबर मिल जाएगा उसे डिवाइड करके फिर छोटा इक्वेशन मिलेगा, और फाइनली दोनों को ऐड कर देना आपका वाई या एक्स मिल जाएगा, फिर एक वैल्यू मिलेगी, फिर उसको पुट करके हमारा दूसरा वैल्यू मिल जाएगी। और गाइस अगर ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूं, वहां मैंने ही सॉल्व किया, वहां जाके आप देख सकते हो आराम से सॉल्व कर सकते हो, पर इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, आपको सॉल्व करने आ ही रहा होगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।